हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कल्याणी जेनेक्स। तो आज का मेरा रिव्यू है स्पाइस बॉक्स के लिए। जैसे कि मैंने पहले स्पाइस कंटेनर्स थी जो रोटेशनली ये होती है, तो मैंने उसके लिए रिव्यू बनाया था, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप फिर से एक बार चेक कीजिए। तो बहुत बार ऐसे होता है ना, इंडियन हाउस होल्ड आइटम में ये आइटम फिक्स होता है, हमारा मसाले का डब्बा जो कि राउंड शेप वाला डब्बा होता है, इजीली कहीं पर भी हम फिट करा देते हैं उसको। तो आज उस डब्बे के लिए मैं रिव्यू कर रही हूँ। अभी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डब्बे आ जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे देखने मिलेंगे, तो वुडन, स्टील, प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे हैं। तो प्लास्टिक का रिव्यू मैं नहीं करूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जो मैंने चॉपिंग बोर्ड का रिव्यू किया था कि प्लास्टिक का प्रोडक्ट ना बाय कीजिए, डू नॉट बाय प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो आज मैं रिव्यू करूंगी ओनली स्टील डब्बा, मसाला डब्बा एंड वुडन डब्बा। बहुत बार ऐसे होता है ना, स्टील डब्बा तो इजीली घर में अवेलेबल होता है, बट वुडन डब्बा का इशू क्या होता है कि हम बस पिक्चर में देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो हम लोग उसे परचेस करने के लिए देखते हैं। तो आज मैं लाइव दिखाऊंगी वो प्रोडक्ट कैसे रहेगा, वेदर ये हम बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत जेन्युइन रिव्यू होगा, स्टील ले या वुडन ले, हम दोनों के बारे में देखेंगे। तो प्रोडक्ट में आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगी, तो चलते हम प्रोडक्ट की तरफ, हम प्रोडक्ट देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि ये दो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए है, स्टेनलेस स्टील एंड वुडन। तो दोनों देखिए कंप्लीट पैक है, तो पैक पीस को हम लोग अभी अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करके ये प्रोडक्ट क्या रिसीव हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं, ये होगा नालसा ब्रांड का प्रो स्टेनलेस स्टील मसाले का डब्बा, स्टेनलेस स्टील में आएगा। तो सबको पता है स्टेनलेस स्टील डब्बा कैसे होता है, फिर भी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, प्रोडक्ट क्या मिला है मुझे, हम देखते हैं इसे अनबॉक्सिंग करके। चलते हैं, हम इसे पहले ओपन कर लेते हैं, ये जो स्टेनलेस स्टील राउंड शेप मसाला स्पाइस डब्बा जो है, तो बिल्कुल मैं आपके सामने इसे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। पैकेट तो आपने देख लिया, ये इस तरीके का पैकेट है, एमआरपी में इसकी आपको बाद में बता दूंगी। तो सबसे पहले सिंपल हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये इसकी पैकेजिंग काफी सख्त होती है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसे ओपन करने। देखिए मैंने आपके सामने इसे अनबॉक्स किया है, और दिखने से तो काफी सुंदर लग रहा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसको हम ऐसे खोल भी देते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कि अंदर प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। इसे कट कर लेते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। ये 1500 ml का डब्बा है ओवरऑल, बहुत बहुत ही सुंदर। देख लीजिए, ये प्लास्टिक हटा दिया, अभी देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पीस का ये सेट है। इसमें आपको ये एक स्पून मिल जाएगा, यूनिक सा स्पून है शेप में, और इसकी कटोरी देखिए काफी अच्छी क्वालिटी और हेवी कटोरी है ये, जो डब्बा आएगा अपना हमारा। तो इसकी साइज आप देख लीजिए, इसकी ये साइज है, और ये सारे निकालने के बाद डब्बा भी देख लीजिए, तो ये काफी अच्छा है। और जैसे जब हम लोग इसमें मसाले रख देते हैं, तो देखिए ये सी थ्रू है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा मसाला कहाँ पर है, तो सी थ्रू डब्बे में ये मिल रहा है,
यहाँ पर टफन ग्लास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये फूटने का, इस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, आप लोग बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकते हो एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन। दिवाली के लिए ये बहुत अच्छा है और इसकी एमआरपी बता दूं तो ये 599 में मुझे मिला है, जबकि ये मैंने 599 में किया है, बट आज अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो तो इसकी कॉस्टिंग है 630 रुपीज। तो ये फ्लक्चुएट होती है तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट नालसा का ये प्रोडक्ट जरूर बाय कीजिए, वर्थ बाइंग रहेगी, तो इसे आप जरूर ले सकते हैं, तो हाईली रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट। मैं फिर से एक लुक दिखाती हूँ, बहुत बार ऐसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि आप एंड तक नहीं दिखाते हो, मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस वैसे आते हैं, तो ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने डब्बा आपको बता दिया और इस डब्बे को भी मैं दिखा सकती हूँ आपको, दो पाम ये जो मेरे दोनों हाथ है उस पर ये बैठा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये डब्बा किस तरीके का है। बहुत अच्छा है, बहुत छोटा नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से आपके घर में आपकी किचन में अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये सी थ्रू स्टेनलेस स्टील नालसा ब्रांड का डब्बा, आप किचन मसाला डब्बा जरूर बाय कीजिए। अब हम चलते हैं दूसरा प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेंगे। तो हमने स्टेनलेस स्टील वाला डब्बा देख लिया, वर्थ बाइंग है, बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचिएगा, बहुत अच्छा है, मैंने आपको ओपन पिक भी दिखा दिए, सी थ्रू डब्बा है, बहुत इजीली टफन ग्लास के साथ है, तो ब्रेकेज डैमेज ऐसे कुछ नहीं होगा, स्क्रैचेस नहीं आएंगे, अगर आप अच्छे से यूज करते हो तो ऑब्वियसली वो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो ये हो गया स्टील के लिए। अब ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, ये है द फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर स्टोर से ये मुझे मैंने ऑर्डर किया था द फर्नीचर स्टोर से, वुडन मसाला स्पाइस बॉक्स, वुडन मसाला डब्बा। तो अभी हम इसका भी ओपन, इसे भी ओपन करके इसका भी एक रिव्यू देख लेते हैं, इसे भी मैं बिल्कुल आप ही के सामने ओपन करूंगी। क्या होता है ना ऑनलाइन में जब हम फेसबुक पे देखते हैं बहुत वायरल हो जाती है वीडियोस, ये नया कुछ लोगों को पसंद है तो लोग नया कुछ लेने के लिए देखते हैं, तो पता नहीं ये वर्थ है या नहीं, वो अभी खोलने के बाद ही पता चलेगा। इसका पैकेजिंग उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, ये वुडन है, टूट सकता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से पैकेजिंग बहुत अच्छी दी है। एक बार प्रोडक्ट भी देख ही ले, ब्यूटीफुल, देखिए ये ऐसा होगा हमारा वुडन वाला, देखिए पीछे से भी ऐसे भी हम खोल देते हैं, देखिए ये भी बिल्कुल सुंदर सा है, कवर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, काफी अच्छी पैकेजिंग के साथ दिया है। रीजन ये है कि यहाँ पर कांच है, ये टफन ग्लास नहीं है, ये कांच होने के कारण इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये इस तरीके के इसका लॉक रहेगा, लॉक ज्यादा ये नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे खोलते हैं, वाह। तो ये हुआ इसका, ये कंटेनर्स तो वैसे देखा जाए तो डिटैचेबल स्क्वायर बॉक्सेस है, काफी छोटे बॉक्सेस है, तो आई थिंक इसे मतलब अब मैं कैसे बताऊं, ये स्पाइसेस रखने के लिए मुझे नहीं लगता ये वर्थ है, बिकॉज इसकी कांच टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और वुडन तो वुडन होता है, चलो लकड़ी है कोई इशू नहीं है इसमें, और ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम किचन में, क्या होता है ना हम लोग हरी में होते हैं तो रफली इसे हैंडल करते हैं, तो ये मुझे वर्थ नहीं लगा। कॉस्टिंग वाइज ये भी 599 का है, बट ये सिर्फ शो के लिए है, जैसे कि वायरल चलता है फेसबुक पे इमेजेस, काफी लोग कमेंट्स डाल देते हैं वी वांट टू बाय, बट ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी इसे बाय करने के लिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। इसके रैक्स भी है, इंक्लूडिंग 9 रैक्स है, स्टेनलेस स्टील में 7 रैक्स थे, तो ये 9 रैक्स काफी छोटे छोटे हैं। आप, मैं आपको रैक्स हटा के दिखा देती हूँ, ये बॉक्स क्या है, ये काइंड ऑफ ज्वेलरी बॉक्स,
पता नहीं उन्होंने साइज बॉक्स बोला है, बट देखिए इसके साइज देखिए बहुत छोटी है, ये कुछ इतनी है, तो इसमें कुछ भी नहीं बैठेगा, सामान जो है बहुत कम कम बैठेगा और हमें कंटिन्यू इसे रिफिल करते रहना होगा। तो आई थिंक इसमें इन्वेस्ट ना करें। हाँ, जिसको पसंद है, जो चाहते हैं कि थोड़ा यूनिक कुछ हमारे पास रहे, तो वो लोग ले सकते हैं, एज अ गिफ्टिंग पर्पज इज गुड, बट हम रेगुलर अगर किचन के यूज के लिए अगर रेगुलर चाहिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी इसे लेने के लिए, क्योंकि ये काज भी काफी डेलिकेट है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। और देखिए ये तो किचन में हैंडी क्या होता है ना, रफ एंड टफ चाहिए होता है हमें किचन में हैंडल करने के लिए। तो हमने देख लिया स्टेनलेस स्टील डब्बा एंड अदर वन वुडन, द फर्नीचर स्टोर से ये वुडन डब्बा। देखिए दिखने में काफी सुंदर है ये, जैसे कि ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये काफी हैंडी है और घर में इजीली ये कैसे भी गिर जाए तो भी कुछ नहीं, बट ये डेफिनेटली ये ब्रेकेज टूट सकता है, नुकसान हो सकता है, तो दोनों देख लीजिए। और हाईली रेकमेंडेड टू स्टेनलेस स्टील, इसे आप गिफ्टिंग के लिए ले सकते हैं, आपको किसे गिफ्ट करना है, बट डेली वेयर के लिए मैं हाईली रेकमेंडेड स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का बाय कीजिए, अपना नुकसान ना कीजिए, क्योंकि इसमें 100% नुकसान होगा, ये टूटेगा, जरूर टूटेगा किचन में काम करते वक्त, ये जरूर टूटेगा। तो या तो आप इसे ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हो, क्योंकि इसे बार बार रिफिल करना होगा एंड ऑल, तो वो चीजें ना कीजिए, स्टेनलेस स्टील वाला लीजिए, प्लास्टिक भी मैं बोलूंगी मत लीजिए। तो आपको मेरा ये वाला रिव्यू कैसे लगा, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने खास करके आपको क्लोजर लुक दे के बताया है कि ये किस तरीके का होगा, इमेज इसमें ये काफी बड़ा दिखता है तो हमें बहुत बार ना समझ नहीं आता है, पर देखिए ऐसे दिखता है और जब खोलते हैं ना तो इतने छोटे छोटे रैक्स होते हैं इसमें, छोटे डब्बे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये पर्पजली इसका वीडियो बनाया। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसे लगा, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।